बता दें कि कानपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लेकर इस वक्त हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। बीजेपी मेयर प्रत्याशी प्रमिला पांडे की जीत हुई है, जहां इसके बाद में प्रमिला पांडे ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। इस बार बीजेपी मेयर जो इस बार जीती हैं, काफी बड़े अंतराल से जीती हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रमिला पांडे से बात करते हैं कि इस बार चुनाव जीती तो जनता के लिए क्या करेंगी। जैसे कि आपने पार्टी को विश्वास किया और जनता ने भी दोबारा मौका दिया, तो किस तरह आप इस बार काम? बेटा, मैंने जनता का काम 5 साल किया था, इस बार भी मैं जनता का 5 साल रात दिन एक करके मेहनत करके जो भी काम नहीं हुआ उसको पूरा करूंगा। अगली बार ये सवाल आप नहीं पूछोगे। नहीं, यही काम किया है। हम दूसरी पार्टी बात ही नहीं करो, उनसे जाके पूछो। अब चुनाव जीती है तो आगे अगला कदम क्या? आगे हम अपने शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने में अपनी पूरा एनर्जी लगा। हम बहुओं से क्या मतलब, हमसे हमें अपने मतलब, बहू अपना अपना काम देखे, हम अपना काम देखे, प्रमिला पांडे जिन्होंने साफ तौर बताया है कि जो भी चुनाव जीती हैं सब बहुत काफी अंतराल से थी, करीब जो आंकड़ा लगाया था उससे बहुत ज्यादा ही आंकड़े से जीती है। और उन्होंने साफ तौर पर न्यूज़ से बात करके कहा है कि बहुए अब घर पे रहें और काम वो करेंगी और जो उनके लक्ष्य जो अधूरा रह गया उसको बहुत जल्द पूरा करेंगी। इस बार जो इनको जनता ने चुना है। कानपुर से कैमरा पर्सन नौशाद खान के साथ रामजी शर्मा, न्यूज़ इंडिया।